अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना और आलू के पापड़। ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में बहुत ही अच्छी धूप गिरती है, इसीलिए एकदम सही वक्त है पापड़ बनाने का। आइए हम इसे बनाते हैं। ये बहुत ही इजी होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक बड़ा पतीला रखी हूँ, इसमें हम दो ग्लास पानी ऐड करते हैं। पानी हमें अगर और चाहिए होगा तो हम और ऐड करेंगे। अभी मैं दो ग्लास ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने डेढ़ कप साबूदाने को भिगा कर रखी हुई थी, ये फूल कर इस तरह से इतना सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसमें ये ऐड करेंगे। डेढ़ कप में से मैंने हाफ कप साबूदाने को मिक्सर में चला कर ली हूं। ये देख सकते हैं आप कितना दरदरा चलाई हूं मैंने। इसे भी हम इसमें ऐड करते हैं। इससे हमारे पापड़ को बहुत जल्दी थिकनेस मिल जाती है। ये लियो मैंने तीन मीडियम साइज के आलू। इसे मैंने पिज्जा की जो ग्रेटर होता है मैंने उससे इसे ग्रेट की हूं। ये देख सकते आप, और इसे तीन पानी से अच्छे से वॉश की हूं। हम साबूदाना अच्छे से पकने देंगे। साबूदाना पकने के बाद हम इसमें आलू मिलाएंगे। साबूदाने के लिए मैंने इसमें नमक डाली हूं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हम इसे चलाते हुए साबूदाने के फूलने तक पकाएंगे। आइए ये देखिए, हमारे साबूदाने को पकाते हुए हमें दो मिनट हो चुके और इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अभी हम इसे पूरा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाते हैं और इसमें हमें पानी की और जरूरत है। इसमें हम और एक से डेढ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमें साबूदाने को पकाते हुए पांच मिनट हो चुके और ये कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये अंदर से पूरी तरह से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे वो आलू हम इसमें ऐड करते हैं। आलू डालने के बाद हमें इसे और पांच मिनट तक पकाना है। आइए अब हम हमारे साबूदाने और आलू के मिक्सर को देख लेते हैं। हमने इसे ढककर पांच से सात मिनट तक अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हो आलू भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें, आपको अगर फीके बनाना है तो आप इसी स्टेज पे धूप में फैला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर तीखा खाते हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली या फिर ग्रीन चिल्ली दरदरी कूट कर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड चिल्ली डाल रही हूँ, ये दरदरी कूटी हुई है। इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम धूप में फैला लेंगे। अब गैस हमारा बंद कर चुके हम। आइए अब हम इसे धूप में फैलाकर बताते हैं। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से धूप में पतला पतला लेयर में फैलाकर डाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसे हमें जितना हो सके उतना पतला फैलाकर डालना है। देख सकते हो आप। आइए अब हम इसी तरह से सारे पापड़ फैला लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमारे पूरे पापड़ अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसे बनाइए जरूर। ये एक कप साबूदाना और तीन मीडियम साइज के आलू में हमारे 55 के आसपास पापड़ रेडी हो चुके हैं। आइए अब हम इसे तलकर आपको बताते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आपको ये पापड़ की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। आइए अब हम इसे फ्राई करके बताते हैं। ये देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से हीट अप कर रहा है। अब हम इसमें एक पापड़ डालते हैं। ये देख सकते हो आप कितना अच्छे से फूला फूला और कितना बड़ा पापड़ हमारा बन रहा है, ये देख सकते हो आप। आइए ये देखिए, हमारे सभी पापड़ कितने अच्छे से फ्राई हो गए और कितने ये रेड भी नहीं करते। ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में भी और ये बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से फ्राई हो रही है और कितने बड़ी साइज में बन रही है। ये देखिए, हमारे पापड़ कितने क्रिस्पी फ्राई हुए, आप सुन सकते हो। ये देख सकते हो कितने क्रिस्पी, ये देख सकते हो।
कितने क्रिस्पी पापड़ तैयार हुए हमारे, और ये मुंह में डालते ही घुल जाते ही, इसे चबाने की भी जरूरत नहीं होती, इतने सॉफ्ट इतने अच्छे बनते हैं पापड़। आप एक बार इस पापड़ की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये पापड़ बनाने में या फिर मेरी कोई भी रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर उस क्वेश्चन का आंसर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।